हेलो स्टूडेंट्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक इन दिस लेक्चर। यंग्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंटरफेरेंस पैटर्न को एग्जैक्टली एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व किया था। तो हम इनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को एक बार देख लेते हैं। यंग्स ने एक लाइट सोर्स लिया था और उस लाइट सोर्स को एक कार्डबोर्ड के थ्रू पास कराया था। तो कार्डबोर्ड के अंदर उन्होंने एक सिंगल स्लिट क्रिएट की थी बाय पुटिंग सम नेल और समथिंग। तो लाइट ट्रैवल कर रही थी इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स, जैसा हमें ये वेव फ्रंट्स शो हो रही हैं। कुछ डिस्टेंस के बाद उन्होंने एक और कार्डबोर्ड लिया और उसी कार्डबोर्ड को उसके बीच में दो स्लिट्स को बना दिया। मीन्स अगेन उन्होंने एक और कार्डबोर्ड लिया और नेल की मदद से दो स्लिट्स बना दिए, उसके अंदर दो छेद क्रिएट कर दिए। उन दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस था उसको उन्होंने डी रखा। ये डी है दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस। अब जो प्राइमरी सोर्स से वेव फ्रंट्स आ रही थी, अब उनके लिए एस वन और एस टू अब दो अलग अलग सोर्सेस क्रिएट हो गए। नाउ मैंने एस वन सोर्स से जो वेव फ्रंट ट्रैवल हो रही है उसको ब्लैक कलर से इंडिकेट किया है। यू कैन सी, आई विल ज़ूम इट आउट। हाँ, तो ये ब्लैक कलर की जो लाइंस आपको शो हो रही हैं ये हैं सोर्स एस वन से जो वेव फ्रंट्स ट्रैवल हो रही हैं और ये यहाँ तक पहुँच रही हैं। रेड कलर से मैंने वेव फ्रंट्स क्रिएट की हैं जो एस टू सोर्स से स्लिट से निकल रही हैं। तो हर पोजीशन पे आप ये देखोगे कि ब्लैक और रेड जो वेव फ्रंट्स हैं वो इंटरसेक्ट हो रही हैं। देखो, ब्लैक एंड रेड, हियर आल्सो ब्लैक एंड रेड, तो ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो रही हैं। तो सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पे काम करता है। और सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जहाँ पर आता है, देयर अ फेनोमेनन कम्स इन टू प्ले, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेव्स और लाइट विच इज़ नोन एज इंटरफेरेंस। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो इंटरफेरेंस पैटर्न्स को क्रिएट करता है। मतलब जो हमारी लाइट है वो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स एस से चली, एस से वो आगे बढ़ी तो यहाँ पर दो स्लिट्स क्रिएट हो गई, मतलब दो सोर्सेस क्रिएट हो गए। अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुई लाइट, उसके बाद यहाँ वेरियस डिस्ट्रीब्यूशंस हुए और फाइनली एक स्क्रीन के ऊपर हमें कुछ पैटर्न्स मिलते हैं, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, फाइन। तो इस तरह के पैटर्न्स मिलते हैं। इन पैटर्न्स को एग्जैक्टली मैं शो कर देती हूँ कि ये कैसे होते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि जहाँ पर ये इंटरसेक्शन हो रहा है एस वन से एस वन एस टू की वेव फ्रंट्स का, वहाँ पर डार्क ब्राइट फ्रिंजेस क्रिएट हो रहे हैं। और हम इस एक्सपेरिमेंट में यही देखेंगे कि डार्क फ्रिंजेस क्रिएट हो रही हैं उसकी कंडीशन क्या है, ब्राइट फ्रिंजेस जहाँ पर मीट हो रही हैं, ब्राइट लाइट जहाँ दिखाई दे रही है, डार्क लाइट जहाँ दिखाई दे रही है, उनकी कंडीशंस क्या हैं। तो फ्रिंजेस कुछ इस तरह की दिखाई देंगी। ये है फ्रिंज पैटर्न। सी, इस तरह का पैटर्न यंग्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा था। कहीं डार्क है, यहाँ ब्राइट है, यहाँ डार्क है, यहाँ ब्राइट है, इस तरह का कॉन्टिन्यूस पैटर्न चल रहा था। जब हम देखेंगे यहाँ पर इसको जब ग्राफिकली हम बना लेते हैं, तो यहाँ पर इस लाइन पर हमने एक वेव बनाई है। तो जहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है उस वेव का, वहाँ पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिली। जहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो गया वहाँ पर हमें डार्क मिली। अगेन एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिली। और हमें पता है एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। फाइन, लेट मी राइट इट अगेन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतनी ही हमारी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर भी हम यही शो कर रहे हैं, यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है मीन्स यहाँ पर लाइट ब्राइट है, यहाँ एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो गया। जब एम्पलीट्यूड ज़ीरो है मीन्स यहाँ पर डार्क फ्रिंज हमें मिलेगी, डार्क विड्थ हमें मिलेगी। फ्रिंज का मतलब आप सिंपल समझ सकते हो कि एक पैटर्न हो गया लाइट का, एक बैंड हो गया लाइट का, दैट इज़ फ्रिंज। तो ये था यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप। और इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर दो स्लिट्स हैं, इनके थ्रू वेव्स ट्रैवल हो रही हैं और एक स्क्रीन पे टच हो रही हैं। हाँ, ये तो जो डिस्टेंस दो स्लिट्स के बीच में था डैट वाज डिस्टेंस डी, एंड द
स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कैपिटल डी। तो ये दोनों डिस्टेंसेस हमारे लिए समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम देख लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर हमें दिख रहा है एक वेव ऑफ लाइट है जिसकी एम्पलीट्यूड 6 दी हुई है, अनदर वेव ऑफ लाइट है जिसकी एम्पलीट्यूड 5 दी हुई है। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे, मीन्स हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जब अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 11। तो इंटेंसिटी उस केस में क्या हो जाएगी, के 121, बिकॉज इंटेंसिटी इज इक्वल टू के एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ दिस केस व्हेन एम्पलीट्यूड इज़, पहले की एम्पलीट्यूड 5 है और दूसरे की एम्पलीट्यूड 6 है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन देखना, 5 एम्पलीट्यूड वाली रे इस तरह से ट्रैवल कर रही है वेव, एंड जिसकी एम्पलीट्यूड 6 है वो नीचे से स्टार्ट हो रही है। तो ये दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या आएगा, बिकॉज 5 - 6 हम करेंगे, एम्पलीट्यूड आएगा -1, एम्पलीट्यूड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम इसको 1 कंसिडर करेंगे। तो इंटेंसिटी हमारी इस केस में आ जाएगी 1। तो जिस केस में एम्पलीट्यूड्स माइनस हो जाते हैं दैट इज़ नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ पर एम्पलीट्यूड्स ऐडअप होते हैं वहाँ पर होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये पैटर्न हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। जब हमने पहला एग्जांपल लिया था तो यहाँ पर ये दोनों वेव्स कुछ इस तरह के थे, जिसका एम्पलीट्यूड 6 था वो वेव हमारी ऐसे ट्रैवल हो रही थी, जिसका 5 था उसका डिस्टेंस थोड़ा कम था एम्पलीट्यूड का, वो इस तरह से ट्रैवल हो रही थी। फाइनली जो हमें एम्पलीट्यूड मिला था वो हमें मिला था 11। ठीक है, इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। जिसका एम्पलीट्यूड 6 है उसको हमने ग्रीन लाइन से ग्रीन से शो किया है, और जिसका एम्पलीट्यूड 5 है उसको हम रेड से शो कर देते हैं। ये कुछ इस तरह से बन रहे हैं। ठीक है, फाइनली जो ब्लू है, मतलब दोनों ऐड हो गई, सुपरपोजिशन हो गया, तो फाइनल हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला कि दोनों का सम हो गया हमारा एम्पलीट्यूड। तो यही था यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।